न्यायालय है सर्वोपरि है, जब आदेश होता है तब हाजिर। भाजपा के एक ही था संयोग व दुर्भाग्य बस कहिए, भाग बस शादी का समय होता है तब ने जीते की बढ़ जाती जाया जाता, अभी 1.5 साल है। पूर्व सांसद बाहुबली सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद सूरजभान सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। सूरजभान सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसे वो मानते हैं और जब जब बुलावा आता है तो कोर्ट चले आते हैं। आपको बता दें कि सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं, बाहुबली रहे हैं, बिहार में इनकी एक अलग छवि है। साथ ही साथ सूरजभान सिंह के परिवार से सूरजभान सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं और अब इनके भाई भी सांसद हैं। लोजपा रामविलास खेमे के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब लोजपा पशुपति पारस के खेमे के वो सांसद हैं। हालांकि चंदन सिंह है सूरजभान सिंह के भाई, उनके नीतीश कुमार से करीबियों के सवाल पर सूरजभान सिंह ने साफ कर दिया कि बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो भाजपा और जेडीयू एक साथ थी। ऐसे में एनडीए के सांसद होने के नाते सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ जरूर अच्छे थे, लेकिन फिलहाल जब रिश्ते बीजेपी और जेडीयू के टूट गए हैं तो चंदन सिंह अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं पशुपति पारस को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी वक्त है, उसके बाद राजनीतिक भविष्य तय होगा। आपको बता दें कि सूरजभान सिंह सहित कई जो लोग हैं वो पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय जा चुके हैं। कई लोग इस मामले में बरी भी हो चुके हैं और इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के समय कई तरीके के जो गतिविधि होती है उसके ऊपर जो आदर्श आचार संहिता का मामला है वो बनता है तमाम नेताओं के ऊपर, और इसी कड़ी में एक बार फिर से सूरजभान सिंह जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए थे, उन पे जो मामला चल रहा था उनमें उन्हें बड़ी राहत मिली है। और अब जब वो कोर्ट से बरी हो गए उसके बाद उनके वकील ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ सूरजभान सिंह क्या कुछ कह रहे हैं उस प्रतिक्रिया को भी हम आपको सुना रहे हैं। आचार संहिता कैसे होता जानकारी यो नहीं था, जब से डेट जब जब न्यायालय है सर्वोपरि है जब आदेश होता है तब हाजिर। सर मामला ये कह रहा है चंदन बाबू जदयू से करीबी होते जा रहे हैं, क्या लगता है लोजपा छोड़कर जदयू में शामिल? जदयू भाजपा तो एक ही था संयोग व दुर्भाग्य बस कहिए, भाग बस कहिए, दोनों अलग हुए। अब जिसके करीबी आप लोग बना सकते हैं, आप लोग तो लिखने वाले हैं समय पर। सर जानकारी मिल रही है कि ललन बाबू नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि शादी का समय होता है तब ने जैसे कि बढ़ जाती जाया जाता, अभी 1.5 साल है। संहिता के अंतर्गत बरबीघा में चुनावी सभा के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा कहा गया कि आपने जो सभा किया वो आचार संहिता के नियम के उल्लंघन के तहत, जिसके कारण निर्वाचन जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार बरबीघा सीओ ने सूरजभान सिंह और चंदन यादव पर एक आचार संहिता का मुकदमा लाया। आज क्या हुआ? आज सूरजभान सिंह उस केस में रिहा हुआ।